तो बूम गाइस देख सकते हो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो भाई ये जो ट्रिक है ये अभी भी वर्क कर रहा है। तो यार कैसे हो, तो फिर से हम आ चुका है एक ब्रांड न्यू डिवाइन टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो में। तो भाई सबसे पहले आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई पिछले जो वीडियो है इतना सारा व्यूज़ देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर जरूर देखना। तो यार आज का इस वीडियो में मैं आप लोग को इरंगल और लिविक मैप के ऊपर 5 टिप्स एंड ट्रिक दिखाऊंगा। आई होप कि इसके पहले किसी यूट्यूबर ने नहीं दिखाया। तो भाई इनमें से जो 4 ट्रिक है ये बिल्कुल नया। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे जो लाल वाला बटन है उसका सिर्फ कलर चेंज कर दो, कोई नहीं करना सिर्फ कलर चेंज कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा वीडियो की टॉपिक की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा पहला ट्रिक की तरफ। तो भाई पहला ट्रिक के लिए इसके ऊपर आपको नहीं आना पड़ेगा, मैं तो इसके ऊपर आ गया था तो मैंने सोचा थोड़ा एक ट्रिक दिखा दूँ आप लोगों को। इसके ऊपर आप जंप करके अंदर जा सकते हो। तो इसके लिए आपको इधर आ जाना है। तो इधर आने के बाद आपको जो जंप का बटन और फायर का बटन एक साथ दबाना है। जंप का बटन फायर का बटन दबाने के बाद देख सकते हो घूम गाइस देख सकते हो मैं अंदर आ चुका हूँ। तो बाहर देख सकते हो एक बॉट भी आया, तो उसको मैंने नहीं मार पाया क्योंकि भाई देख सकते हो मेरा पिंग कितना हाई है, मेरा पिंग बहुत हाई है। तो यार इसका बाहर आने के लिए आप इधर इधर करके बाहर आ सकते हो और खड़ा होकर भी बाहर आ सकते हो। तो चलिए अभी आप लोगों को मैं दूसरी साइड की तरफ जाके दिखा देता हूँ। तो दूसरी साइड पे आने के बाद आपको जंप और 5 का बटन एक साथ दबाना है, तो उसके बाद आपको प्रोन हो जाना है। तो प्रोन होने के बाद देख सकते हो मैं अंदर आ चुका हूँ। इसके अंदर से आप गैनेट भी कर सकते हो इनको मारने के लिए। तो मैंने आपको गैनेट करके भी दिखा देता हूँ। तो भाई जैसे जैसे गैनेट करके वो फट के मैं मर जाऊँगा, इधर तो कहीं एनिमी नहीं था, तो देख सकते हो मैं फट के मर गया। तो ऐसे करके आप एनिमी को मार सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा दूसरी ट्रिक की तरफ। तो भाई दूसरी ट्रिक के लिए आपको इधर आ जाना है, ये जो प्लेस दिख रहा है इधर आपको आ जाना है। आने के बाद इस साइड जो कुछ पेड़ के पास जाना है, पेड़ के पास जाने के बाद ये जो घास दिख रहा है इसके अंदर आपको सो जाना है। कैसे सोना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे सो जाना है। तो बूम गाइस भाई साहब आप बिल्कुल ऐसे करके पूर्ण हो सकते हो। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ऐसे करके आप पूर्ण हो सकते हो। तो भाई आप जब स्कोप भी ओपन करोगे तो भाई जो नज़ारा है वो कितना सुंदर देखने वाला है आप जब स्कोप ओपन करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा तीसरी ट्रिक की तरफ। तो भाई तीसरी ट्रिक यह है कि इसके ऊपर आप कैसे चढ़ पाओगे। तो इसके ऊपर चढ़ने का एक ही तरीका, तो आपको इधर आ जाना है। इधर आने के बाद सीधा सीधा जाना है, उसके बाद आपको जंप कर देना है। तो जंप करने के बाद आप सीधा ऊपर चले जाना, तो आप पीछे मुड़कर इधर आपको जंप कर देना है। तो भाई मैं सीधा आ गया, तो शायद आपको लेस गैप करना पड़ेगा इसके ऊपर आने के लिए। तो कभी कभी लेस गैप करना पड़ता है और डायरेक्ट भी आ सकते हो। तो इसके ऊपर आने के बाद मैं आपको इधर एक एनिमी को मार कर दिखा देता हूँ। तो ऐसे करके इधर आप अच्छा व्यूज ले सकते हो। तो गाइस देख सकते हो नीचे एक एनिमी आ गया, तो मैं उसको मार रहा हूँ तो वो मुझे ढूंढ रहा है। तो उसके बाद तो चलिए बढ़ता है आज का हमारा चौथा ट्रिक की तरफ। तो यार आज का हमारा चौथा ट्रिक यह है कि आप जब ब्रिज पे हो और पूरा टीम आपके ऊपर रश कर देता है तो उसी टाइम पे आपको क्या करना है। तो उसी टाइम पे आप साइड से भी जंप लगा सकते हो। तो साइड से जंप लगाने एक ख़तरा भी है, वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो आपको इधर आ जाना है, इधर आने के बाद 5 और जंप बटन एक साथ दबाना है। तो दबाने के बाद बूम गाइस देख सकते हो मैं नीचे आ गया। तो भाई मैंने जैसे कि बोला था साइड से कूदने के बाद भाई कोई टीम आपको कोई एनिमी आपको मर सकता है, लेकिन आप जब ऐसे कूदोगे तो ये जो थंब दिख रहा है इसको आप कवर बना के फाइट कर सकते हो। तो भाई ये थोड़ा पुराना ट्रिक है, ये अभी भी चल रहा है पबजी मोबाइल के अंदर। तो यार ये जो ट्रिक है आप जरूर यूज़ करना। तो चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा पांचवी ट्रिक की तरफ। तो यार जो पांचवी ट्रिक है ना वो बिल्कुल नया है भाई, बिल्कुल नया है। तो उसके लिए आपको इधर आ जाना है, मैं जैसे ऐसा करूँगा ऐसे ऐसे करना है। तो ये सिर्फ बाकी के साथ ये ट्रिक काम करेगा, तो मैं बाकी जैसे ऐसा लगूँगा तो ऐसे करके आपको लगाना है, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा तो ये ट्रिक नहीं काम करेगा। तो उसके लिए आपको बागी ठीक से और ध्यान से लगाना है। सही तरीके से लगाने के बाद गेट इन का और एग्जिट का बटन दबाना है। तो बूम गाइस देख सकते हो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। तो इसके बाद देखना मैं गान लेकर फिर से घुसा हूँ, तो एक एनिमी आ रहा है तो उसको मैं फायर दे रहा हूँ। तो एनिमी सोच रहा है भाई कहाँ से मारा है। तो भाई इसके अंदर से भी आप गैनेट कर सकते हो, मेरे पास गैनेट भी नहीं था तो मैंने गैनेट नहीं कर पाया। तो इसके अंदर आप छुप सकते हो। तो भाई आप जब कंकर भी पुश कर रहे हो ना तो इसके अंदर आके आप छुप सकते हो। तो भाई इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता ही है।
तो भाई ये जो एनिमी था मुझे ढूंढते ढूंढते थक गया है, उसके बाद देखना ये बग्गी लेके चला जाएगा। तो भाई इधर से बाहर आने के लिए आपको नीचे की तरफ जंप कर देना है तो आप बाहर आ जाओगे। और भी एक तरीका है, आप ऊपर की तरफ चले जाओ आप बाहर आ सकते हो। तो यार आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। और भाई प्लीज़ कमेंट में विनोद मत लिखना। और अगर आप में से किसी ने पबजी मोबाइल के अंदर जो MG3 मशीन का आने वाला है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके जरूर देखना। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। जय हिंद।